हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास विद रवि में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं लुप्त पद की ज्ञात करना। जैसे कि आपका लुप्त हो जाएगा प्रश्नों आज चिन्ह आपका दे देगा और आंसर आपसे पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं रवि शर्मा इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को कराने वाले हैं। क्या कि देखिए ये बहुत सबसे हार्ड चैप्टर होता है, सबसे हार्ड चैप्टर होता है और हम इसको अपने तरीके से इतना इजीली बनाएंगे, कि आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मेरे चैनल में अभी नए और सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के दबा दें, जिसे अगला वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले उसको। तो देखिए आइए हम आपको समझाते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन देता और कैसे क्वेश्चन होता है, लुप्त पद का ज्ञात करना कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, लेकिन मेरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक बने रहें तो उनको से भी स्पीक मत करिएगा, तो उनको भी मिस मत कीजिएगा। थोड़ा सा भी मिस कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे चल जाएंगे, रीजनिंग से ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा पीछे चल जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो आप देखें तो शुरू से लास्ट तक देखें। तो लेट किए बिना आते हैं अपने क्वेश्चन की और क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे देता है और क्या करना होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको हो गया क्या, लुप्त पद ज्ञात करना होता है। जैसे कि देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको देखिए दे दिया ये क्वेश्चन आपका, देखिए और इस यहां पर दे दिया आपका प्रश्न। अच्छा यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, कि यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए आपको हम एक बात बता देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या क्या होना चाहिए, रखना चाहिए कि कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको प्लस आना चाहिए, घटाओ, गुणा, भागा, स्क्वायर, क्यू, रूट स्क्वायर, ये सब आपको आना चाहिए। यदि आप सभी ये सब नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप ये सब जान जाइए तभी जाकर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। क्या है कि ये दिमाग चटता है, ये क्वेश्चन दिमाग चटेगा, यहाँ से कैसे दे देगा, कैसे घुमा देगा आपको भी समझ में नहीं आएगा, कैसे घुमा देगा। इसमें देखिए आपको बोले रहे हैं ये सब का काम आएगा, ये जितना लिखा है ना ये सारे के काम आएगा। नहीं आप जानते हैं तो पहले जोड़ घटाओ आप बहुत अच्छे से जान जाए तभी तो जाकर ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ये तरह बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लगेगा, कहेंगे ये हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे होता है। ये बोलिए रहे ये आपको दिमाग चढ़ जाएगा, ये आपको मेमोरी टेस्ट करता है। इतना जानिए कि इसमें आपको पकड़ना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पकड़ना होता है कि कहाँ क्या करें कि यहाँ पर क्या होगा। ये मेमोरी टेस्ट होता है, ये कोर्स जानिए कि मेमोरी टेस्ट लेता है कि कितना आप मेमोरी दिमाग लगा सकते हैं, यही बात है। तो देखिए हम आपको समझाते हैं, समझाएंगे कि आप तो समझ में आ जाएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा, जरूर आ जाएगा। देखिए आपको हम एक बात बता देते हैं क्या, देखिए बाकी जोड़ घटाओ यदि भागा होगा गुणा रहते हैं तो आपको इजीली परीक्षा में समय बचा लेते। कहें कि परीक्षा में आप गए होंगे, यदि नहीं गए होंगे आपको एक बात बता देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा। आप पूछता है ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछेगा, एक या दो नंबर के दम फिक्स है कि पूछेगा, दम फिक्स है, आप जाएंगे और छोड़ के आ जाएंगे। कहेंगे ये बहुत बोले रहे हैं ये दिमाग चढ़ जाता है, आप ये सभी नहीं जानेंगे तो आपका दिमाग चढ़ जाएगा और छोड़ देंगे। ये बहुत ईजिली होता है, एक बात जान जाइए बहुत ईजिली से इसको आप सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा खोपड़ा दिमाग लगाएंगे आपका हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए एक क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या किया है। देखिए नीचे का पद आप देख रहे हैं, नीचे की जो संख्या है वो बड़ा है, इससे बड़ा है। देखिए अब इसमें आपको क्या किया है वो बताते हैं। देखिए
6×1 बराबर आपका आ जाएगा क्या, 6। वैसे देखिए एक बात और बताते, इस टाइप के क्वेश्चन बनाते समय आप कुछ भी करिए, गुणा भागा कुछ भी करिए, बाकी जो नियम इस पर लगेगा वो नियम इस पे भी लगेगा, वो नियम इस पे भी लगेगा। जैसे कि देखिए एक गुणा हो रहा है ना, गुणा होकर 6 ला दिए, गुणा हो कर कर 6 तो ला दिए, यदि अगला वाला गुणा करके 6, अगला वाला गुणा करेंगे, गुणा करके 14 आ जाएगा, जैसे कि 2×7 तो आ जाएगा 14। देखिए ये नियम आपका काम करेगा, गुणा वाला नियम काम करेगा। एक बात जान जाइए, एक बात आपको बता देते रहे हैं कि जो नियम सब में लागू होना चाहिए, जैसे कि इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तीनों में आपका नियम सेम होना चाहिए। यदि इसको आप जोड़ते, इसको जोड़ते तो इसको भी जोड़ते, ये नहीं कि इसको आप गुणा कर देते, नहीं, गलती हो जाएगा। इसको जब जोड़े हैं तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा और इसको भी जोड़ना पड़ेगा। माने कि एक बात बता देते हैं कि सारे में नियम सेम रहेगा, एक में नियम लगाएं तो सारे में नियम लगेगा। तो देखिए इसका नियम लगे हैं, गुणा किए हैं तो आ गया, अब इसका गुणा करिए कितना हो जाएगा, 3×8 3×8 तो कितना हो जाएगा आपका 24। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। यहाँ पर आपका 24 होगा, यहाँ पर आपका 24 होगा। तो देखिए आपको एक बात और बता देते हैं, क्या चीज, देखिए ये कैसे पकड़ में आता, बिना पेन उठाए बिना कुछ बोलने आपको समझ में, देखेंगे क्वेश्चन और दिमाग लगाएंगे कि क्या किया है, क्या किया है, वही बोल रहे हैं। इस टाइप के आप जितना क्वेश्चन बनाए, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका ऑप्शन, तो इसको आप बनाइए, आप इसको आप बनाइए, समझ में आ जाएगा कैसे पूछा है। देखिए अब आपको वो पहला वाला क्वेश्चन में आपको प्रश्नवाचक संख्या यहाँ पर पूछ रहा था, यहाँ पर वाट दे दिया था और पूछ रहा था कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका खाली स्थान दे दिया, यहाँ पर आपका खाली स्थान दे दिया, अब पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या होगा। तो देखिए आपको हम बोले थे, क्या बोले थे, कि यदि आपको जोड़ घटाओ गुणा भागा आता होगा तो आप इस सॉल्व कर लेते, अब तक ले आप दिमाग लगा ले होते। तो देखिए आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, देखिए हो जाएगा आपका, देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×7 56 56 6 6 ई जुटे जाएगा, 6×5 6 कितना होता है आपका 62 कितना होता है, देखिए कैसे 7×8+6 बराबर आपका, देखिए 57 56 56 6 62 ये हो गया आपका 62। देखिए अब ये नियम लगा दिए, ई इसमें जुट रहा है, ए 8×7 56 में 6 जुट रहा है, एक बार गुणा हो रहा है एक बार जुट रहा है, एक बार गुणा हो रहा है एक बार जुट रहा है, तो ये नियम इसमें भी काम होना चाहिए, ये नियम इसमें भी सेट होना चाहिए, तभी जाकर आपका क्वेश्चन और आंसर सही आएगा, क्वेश्चन और आंसर, आंसर आपका सही होगा। यदि एक बार गुणा और एक बार जोड़ेंगे सारे में नियम ही काम कर देगा, तो आप जानेंगे कि हमारा ये सॉल्व सही है, ये सॉल्व सही है। तो आइए हम देखते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, 9×8 72 72 7 देखिए 9×8+7 9×8 72 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 79 79 यहाँ पर 79 है 79 हाँ, ये नियम आप पर काम हो गया। तो अब देखिए इसको और इसको गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे कि आपका 47 आ जाएगा। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या रखें, देखिए आप क्या रखेंगे,
क्या रखना है आपको, ठीक है, 7 × 6 + 5 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 × 6 = 42 और ये जुड़ जाएगा, 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 47 47। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन रखे हैं, देखिए ये हो गया आपका। अब आप ये तो हम जानते थे और इसको हम तो आपको कैसे बनाना है, आप पहले बनाएंगे इसको रखेंगे ऑप्शन में, एजा रख के गुणा करेंगे, फिर एजा रख के गुणा करेंगे, फिर यहाँ ए रख के गुणा करेंगे, फिर इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका समय लग जाएगा। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ऐसा बात सोचना है कि यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे कि आपका 47 आ जाएगा। तो हम सोचे कि 7 रखेंगे, 7 × 6 = 42, 42 + 5 = 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप से ऐसे, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक आए इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक, देखते रहिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन, और पूछ रहा है देखिए वो तो सब यहाँ पर खाली स्थान दे दिया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दे दिया आपका खाली स्थान यहाँ पर दे दिया, पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका क्या होगा। तो आप अब सोचेंगे कि क्या रखें, कैसे करें, क्या करना है, क्या करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे तो वो बनेगा। तो देखना है आपको क्या करना है, क्या किया, देखिए आपको तो इतनी छोटी छोटी संख्या दिया और इतना बड़ा आपका संख्या आ गया, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, इतना बड़ा संख्या दे दिया तो आप कुछ सोचेंगे कि क्या किया होगा, जरूर इसमें आपको कहीं से भी इसमें कहीं गुणा किया है तभी आपको यहाँ पर मतलब जोड़ता है, ये जोड़ता है, यदि घटाता तो यहाँ पर तो 60 नहीं आता है, यहाँ पर 96 तो नहीं आता है, यहाँ पर 140 तो नहीं आता। तो आप देखिए यही ऐसे ही आप कैसे सोचेंगे कि देखिए नीचे आपका बड़ा संख्या दे दिया है, ए नीचे बड़ा संख्या दिया, तो आप देखेंगे कि इसको हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, भागा कर रहे हैं, तो आपका 60 आई ना रहे, आप सोचेंगे कि ये ना कहीं ये गुणा किया है, कहीं ना कहीं ये गुणा किया है, तभी जाकर आपका यहाँ पर 60, 98 और 40 लिख दिया है। देखिए आप जितना क्वेश्चन बनाते जाएंगे ना उतना आपका हैबिट बढ़ता जाएगा और पकड़ में आने लगेगा, आप जितना क्वेश्चन इस टाइप के बनाते जाएंगे उतना आपका हैबिट बनेगा और पकड़ में आता जाएगा, और पकड़ में आता जाएगा कि कहाँ कौन सा संख्या हो रखेंगे और कैसे क्या करना है, कि गुणा करना है, कि भागा करना है, कि क्या करना है, खुद आप पकड़ने लगेंगे। तो देखिए इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए एक बात और फिक्स है कि आपको गुणा किया होगा तभी यहाँ पर 60 लिखा है, क्या है कि इतना बड़ा संख्या ही तो जोड़ रहा है, घटाया जाता तो यहाँ पर 60 तो नहीं आता। तो देखिए आपको क्या करना है, कितना हो जाएगा आपका 20, 4 × 5 = 20, देखिए 4 × 5 = 20 और फिर 20 × 60, तो क्या किया है दोनों में गुणा कर दिया, दो बार गुणा कर दिया है, दो बार आपका गुणा कर दिया। देखिए ना कैसे 4 × 5 × 3, देखिए 20 और 20 × 60, तो ये तो फिक्स हो गया कि गुणा दोनों में किया इतना है। यदि यहाँ पर गुणा दुआली करेंगे तो यहाँ पर 96 आना चाहिए, अरे दुआली गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी तो 96 आना चाहिए ना, तो यदि आ जाएगा जिसे ए गुणा करिए हैं दुआली उसे ए भी गुणा करेंगे और 96 आ जाएगा, तो आप जानेंगे कि आंसर सही है, आपका सॉल्व सही है। तो देखिए क्या करना है, गुणा करना है इससे, तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 4 तो कितना हो जाएगा आपका 16। अब तो यहाँ पर आपका खाली स्थान दे दिया है, यहाँ पर आपका खाली स्थान दे दिया, तो आप कहेंगे कि क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा। तो आप देखिए यदि आप टेबल जानते, पहाड़ा जानते तो पकड़ में आ जाता है, 16 × 6 = 96 होता है, वही बोले आप टेबल जानते तो आप जल्दी इसका जवाब दे देते हैं, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर। अब तो यहाँ पर आपको बढ़ना कोई मतलब नहीं, कहेंगे यहाँ पर आपका ही खाली स्थान दे दिया, यहाँ पर दे दिया, तो यही का आगे बढ़ना का जरूरी है, तो आपको क्या किया है 6 लगा दिया, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा, आपका ऑप्शन 6 आंसर हो जाएगा, कहेंगे 16 × 6 = 96
होता है, 16 × 96 होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखिए ये हो गया आपका। अब कुछ देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन, और बोले रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं, इतना ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या किया है, देखिए हम चाहते हैं कि ए आप बनाइए पहले, हम चाहते हैं कि ए पहले आप वीडियो रोक कर पहले ए बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका हमको आंसर बताइए। तो आइए हम अब बनाते हैं, आइए हम आपको अब समझाते हैं कि क्या कैसे क्या किया है। तो देखिए देखिए आपको पकड़ने में कैसे जल्दी आ जाएगा, देखिए नीचे की संख्या आपका देखिए बढ़ दे रहा है, नीचे की जो संख्या है वो आपका बढ़ा है। तो आप सोचेंगे सोचेंगे कि यदि हम जोड़ दें तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 14 × 19 से हो रहा है, घटाइए तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि जरूर नहीं जरूर इसमें गुणा किया होगा, तो अभी जा कर यहाँ पर इतना लिख दिया है और गुणा कर कर और क्या किया है, गुणा कर कर और क्या किया है वो देखते हैं। देखिए देखिए 8 × 48 48 में 5 घटाया होगा, देखिए 48 में 5 घटाया होगा तो 43 यहाँ पर आ जाएगा, 43 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया आपका ऑप्शन। तो देखिए देखिए क्या किया है, एक बार गुणा किया है और फिर घटा दिया है, कितना घटाया है 5। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 के जानते हैं कि कितना होता है 48 और 5 घट जाएगा, 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 43, कितना हो जाएगा आपका 43, ये तो आ गया 43। तो यहाँ पर भी 43, अरे यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं तो इतना आना चाहिए ना, 57। जैसे ये किए हैं एक बार गुणा और फिर घटाएं, एक बार गुणा फिर घटाएं, तो वो नियम यहाँ भी काम होना चाहिए, तभी जाकर आपका सोचेंगे कि मेरा सॉल्व सही है, सॉल्व सही कर रहे हैं। तो देखिए क्या किए एक बार, तो हो जाएगा 9 × 7 देखिए 9 × -6 तो आप जानते हैं 9 × 7 कितना होता है 63, और घटा दीजिए 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 57, 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 57, ये तो हो गया। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए गुणा करना है फिर घटाना है, गुणा कर कर एक बार गुणा और घटा रहा है, एक बार गुणा कर कर फिर एक बार घटा रहा है। तो देखिए तो हो जाएगा 6 × 7 = 42 देखिए 6 × 7 = 42 माइनस जगह पर एक्स, देखिए आप नहीं जानते तो इसे बना सकते हैं, देखिए तो बराबर कितना दे दिया आपका 40, ठीक 40 हो गया। ये कितना हो जाएगा 7 × 42 देखिए 7 × 42 42 माइनस एक्स ये हो गया आपका। तो देखिए ये जाएगा उधर तो माइनस एक्स, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी आपका सही होगा। देखिए ऐसे बनाए चाहे वैसे बनाए, जैसे आपको बताए थे ऑप्शन भी यहाँ पर डालकर चेक कर सकते थे, ऑप्शन भी यहाँ पर डालकर आप चेक कर सकते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी सही हो गया, बी सही हो गया। देखिए आपको सोच बहुत ज़्यादा आगे होना चाहिए, आपका जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए इस सब क्वेश्चन पर, आपको जितना सोचना है जहाँ से भी सोच लें कि क्या किया है, गुणा किया है, भागा किया है, कि घटाया है, कि जोड़ा है, कि क्यू है, कि स्क्वायर है, कि रूट है, कि क्या है, ये सब बात आपको ध्यान में रखना है, ये सारे बात आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि एक बात खाली रख लिए कि जोड़ना है, नहीं 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 नहीं
जितना बात बोले हैं सारे बात आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आपका ऑप्शन, ये हो गया आपका क्वेश्चन और ऑप्शन। तो देखिए आपको क्या किया होगा, तो देखिए ये आपको घटाया है, ये क्या किया इसमें आपको देखना है खाली सिर्फ कि घटाया है कि जोड़ा है। तो देखिए तो जो घटाइए तो कितना हो जा रहा है आपका, दो तीन और माइनस दो तीन एक, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 192, 192 आ जा रहा है, 192 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 96 है, यहाँ पर 92 है, तो क्या किया आएगा आपको थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दो से लग रहा है कि भागा देगा दिया होगा, दो से भागा दिया होगा तभी यहाँ पर आपका 96 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 96 आ गया, 96 यहाँ पर आ गया। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या दिया है, तो वैसे ही देखिए जैसे किए हैं वैसे इसको भी करिए, घटाइए पाँच तो दो तीन दो, अब घटाइए तो हो जाएगा दो तीन, सॉरी दो और तीन। तो अब इसको भी देखिए दो से भाग दिए तो इसको भी दो से भाग देंगे, ये नहीं कि इसमें 96 लाने के लिए दो से भाग दे दिए तो 96 आ गया, नहीं इसमें भी दो से भाग देंगे कि होगा कि नहीं, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक, ये हो जाएगा छः, ये हो जाएगा आपका एक, तो आपका क्या आ गया इतना आ गया। तो देखिए ये नियम इसमें भी क्या मानना चाहिए, ये तो आ गया आपका ऑप्शन बी हो गया सही, आपका ऑप्शन बी हो गया सही, आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी 161 आपका यहाँ पर तो होगा, लेकिन ये यहाँ पर भी देख ले कि हो रहा है कि नहीं, इतना में 128 घटाइए, घटाइए तो कितना हो जा रहा है 12 मिले तो 4, ये बचाए 5, 5 मिले 2 घटा तो 3, ये बचा है आपका तो हो जाएगा 3 मिले घटा तो 2, अब इसको घटाइए 2 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1, 1 ये हो जाएगा आपका 7 × 14, हाँ सही है, सही है ये नियम आपका सही है। तो देखिए ये हो गया आपका टाइप नंबर 1, इसको बता दिए ये रहेगा तो ये हो गया। यदि आपको कुछ अलग टाइप से पूछेगा वो क्वेश्चन हम आपके कल के वीडियो में बताएंगे। तो होगी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अप्लाई करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना पूछे, और जो मेरे चैनल में अभी नए और चाहते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन उनको न छूटे परीक्षा में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन उनको न छूटे परीक्षा में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दबा दीजिए, अगले वीडियो लेकर आए तो वीडियो पहुंचे सबसे पहले उनके पास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद जय भारत।